प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद वीरवार से प्रदेश भर में सभी धार्मिक संस्थानों को खोलने के आदेशों के बाद जिला चंबा में सभी मंदिरों को खोल दिया गया है। इस विषय को लेकर उपायुक्त चंबा द्वारा SOP जारी करते हुए धार्मिक संस्थानों को खोलने को लेकर लिखित में जानकारी दी गई। इस बारे बताते हुए SDM चंबा शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशों के बाद चंबा में धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से बैठक कर उन्हें विभिन्न नियमों के बारे जानकारी दी गई और धार्मिक संस्थानों को सैनिटाइज करने बारे भी कहा गया है ताकि कोरोना संकट में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मंदिर को खोलने की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, तो 9 सितंबर को कल DC साहब के जो गाइडलाइंस है वो ऑर्डर्स आ गए हैं, जिसमें ये है कि 10 तारीख से जो मंदिर हैं वो खुल सकते हैं, परंतु उनके साथ एक SOP है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्पेशली इसमें जो SOPs हैं ये जो हमारे पुजारी हैं, जो मंदिर कमेटी हैं, साथ ही हमारे जो श्रद्धालु हैं वो कृपया सभी इसको फॉलो करें, क्योंकि यह ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ पे लोग जब ज़्यादा संख्या में आएंगे तो कोरोना के संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं, परंतु सबकी क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया है कोरोना को और ये हम सबके जीवन का एक भाग है, उसी को देखते हुए ये SOPs सरकार ने जारी करी हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। तो जितने भी हमारे उपमंडल के जितने भी पुजारी हैं और जितने भी मंदिर कमेटी हैं हमने उनको ये फॉरवर्ड कर दिए, मीटिंग्स भी बुला ली हैं, परंतु ये फिर से क्लियर करते हैं कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना कंपलसरी है और डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर जो हैं हमारे वो इसके नोडल ऑफिसर हैं इनको फॉलो कराने के लिए। तो SOPs हैं कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उससे 1% सॉल्यूशन से रेगुलरली हर एक मंदिर सैनिटाइज होना है और एक लगातार अवधि के बाद जिन जगहों पे ज़्यादा बार हाथ का मूवमेंट होता है जैसे कि पैड़ी या फिर जो रेलिंग है उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना है, बाकी डेली तौर पे सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से सैनिटाइजेशन होना है। जो घंटी है बेल्स जो हैं उन्हें रिमूव करना है या फिर उनके ऊपर क्लॉथ लगानी है ताकि बार बार उसको ना छुआ जाए। साथ ही किसी भी विजिटर की या किसी भी पिलग्रिम की गर्भगृह जो होता है हमारा सेंक्टोरियम उसके अंदर एंट्री वर्जित है। कोई भी व्यक्ति एक पॉइंट पे जहाँ पे हमारी जो DTs हैं उनका जो मूर्ति है वो है तो वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। 65 साल से ऊपर के व्यक्ति लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट लेडीज़, 10 साल से ऊपर से छोटे बच्चे, इन सभी की मंदिर में या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे एंट्री वर्जित है। और जो हमारे हॉल प्रीमिसेस हैं वहाँ पे भी एक बैरिकेटिंग लगेगा और अदरवाइज वहाँ पे इकट्ठा होना मना है। जो आरती और जो पूजा है उसके लिए LED स्क्रीन्स लगनी है और ऑनलाइन उसका डिस्प्ले होना है। जो कि सिम्टोमेटिक यदि कोई पेशेंट है उसके लिए अलग से व्यवस्था हमारा मेडिकल विभाग कर रहा है। CCTV कैमरे के द्वारा जो भी मॉनिटरिंग है वो रेगुलर चलेगी। जो पूजा का रिचुअल है जिसमें कि हाथ लगाने की या टचिंग की ज़रूरत है वो कोई भी उस प्रकार का रिचुअल नहीं होना है, इस प्रकार के निर्देश सारे पुजारियों को दे दिए गए हैं। साथ ही कोई भी यदि मैरिज का फंक्शन है वो मंदिर प्रेमिसेस के अंदर या फिर कोई भी उस तरीके से जगराता वगैरह अभी इस SOP के हिसाब से अलाउड नहीं है। और ओवरनाइट स्टे जो है रात को रुकना या फिर किसी भी प्रकार से स्टे वो मंदिर की प्रेमिसेस में अलाउड नहीं है। सभी लोग जो कि मंदिर के प्रेमिसेस एंटर करते हैं उनके लिए 3-ply मास्क कंपलसरी है और जो हवन है वो भी फॉर द टाइम बीइंग SOP के हिसाब से अलाउड नहीं है। और इसके अलावा सरोवर, कोई भी तालाब या फिर कोई भी उस प्रकार की व्यवस्था है तो वहाँ पे डुबकी लेने की जो प्रथा है वो सब अलाउड नहीं है। और इसके साथ ही हैंड सैनिटाइज़र का जो प्रोविज़न है और हैंड वॉशिंग के जो प्रोविज़न है वो कंपलसरी हैं। एंट्री पॉइंट्स पे हैंड सैनिटाइज़र्स दैट शुड बी टच फ्री। सेकेंडली हैंड वॉश की जो पूरी सुविधा है वो हर एक मंदिर में होना कंपलसरी है। इसका रीअसेसमेंट जो है वो उपमंडल लेवल पे नेक्स्ट मंडे किया जाएगा कि किस प्रकार से इसको लागू किया है। बाकी सभी लोग इन SOPs का पालन करें और कोरोना तो अब हम सभी के जीवन का पार्ट है, तो ये SOPs इस तरीके से हैं कि हमारी किसी की भी
जो रोज़मर्रा में जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो भी हर्ट ना हो, परंतु हम कोरोना संक्रमण से बचे भी रहें। तो हम सब अगर यदि इस प्रकार से प्रिकॉशंस रखते हैं तो दोनों की चीज़ों के बीच में एक बैलेंस ज़रूर बनेगा, जिसमें कि हम सब अपनी जो पूजा या फिर जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर पाएंगे और साथ ही कोरोना संक्रमण से बचे भी रहेंगे। धन्यवाद।